तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है अजाइगस वेन। और जो अजाइगस वेन पे जो क्या है, यूनिवर्सिटी में से वेरी शॉर्ट नोट वो कभी कभी पूछ लेता है कि अजाइगस वेन की आप उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज लिखिए। तो आज अपन पूरा समझेंगे कि अजाइगस वेन क्या होता है, देन मैं क्या इसको आपको बना के भी बताऊंगा अजाइगस वेन को कि किस तरीके से इसका डायग्राम अपन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अजाइगस। तो अजाइगस स्टम का मतलब क्या है? अजाइगस स्टम का मतलब है अनपेयर। जो अजाइगस वेन जो है, सबसे पहले ये आपकी जो है अनपेयर वेन होती है। ये सिर्फ आपको राइट साइड में ही आप वेन दिखेगी। तो इस अजाइगस वेन को दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे फ़ोन में इसका एक डायग्राम है, मैं आपको उससे दिखाता हूँ उसे। तो अगर आप इस डायग्राम से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको पूरी अजाइगस वेन दिखेगी। तो ये क्या है, ऊपर ये है आपका सुपीरियर वेना कावा। देन आप उनको पता है सुपीरियर वेना कावा क्या क्या देती हैं आपकी, ये देती हैं राइट एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, दोनों बनाएंगी आपकी सुपीरियर वेना कावा। देन यहाँ पे है इन्फीरियर वेना कावा। तब आप एक चीज़ ये देख रहे होंगे कि जो सुपीरियर वेना कावा जो है और ये इन्फीरियर वेना कावा जो है, ये एक दूसरे का कंटिन्यूएशन ऐसा डायरेक्ट नहीं है। तो अपन ने क्या देखा था सबसे पहले इसमें, कि ये इसकी पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी सेपरेट, अपन इसके ऊपर भी डिटेल में इसकी वीडियो देख चुके हैं। तो पहले क्या होता है, ये सबसे पहले आपकी आती है असेंडिंग एओर्टा, मतलब जो अपना हार्ट है, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो सबसे पहले कहाँ आता है, वो आता है अपना असेंडिंग एओर्टा में। देन असेंडिंग एओर्टा बनती है अपनी आर्च ऑफ एओर्टा, और फिर सारी ब्रांचेज अपन मेरी डिटेल वीडियो में देख चुके हैं, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। देन आर्च ऑफ एओर्टा नीचे जाके क्या बनता है आपका, बनता है डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग मतलब नीचे, तो डिसेंडिंग एओर्टा। देन डिसेंडिंग एओर्टा थोरेक्स में अपन इसको बोलेंगे थोरेसिक एओर्टा, एब्डोमेन में एब्डोमेन एओर्टा। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, ये डायरेक्ट क्या है, कंटिन्यूएशन है। लेकिन जो सुपीरियर वेना कावा और जो इन्फीरियर वेना कावा जो है, वो डायरेक्ट ऐसे कंटिन्यू नहीं होती, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा दोनों को कनेक्ट कौन करता है, अपना करती है एक अनपेयर वेन जो कि होती है अजाइगस वेन। तो अगर आप इस राइट साइड में उस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये क्या सुपीरियर वेना कावा, ये इन्फीरियर वेना कावा, और इन दोनों को ये जो कनेक्ट कौन से कर रही है वेन, ये इसी वेन का नाम होता है अजाइगस वेन। अगर तुम देख पा रहे हो ऐसी वेन सिर्फ राइट साइड में है, लेफ्ट में है नहीं, इसलिए ये क्या है अनपेयर है। और ये जो अजाइगस वेन जो है ये क्या करती है, इसके अंदर मेन जो है अपना जो इंट्राकोस्टल स्पेस में जो इंट्राकोस्टल वेन होती है ना, वो वेन जो है इसमें आके ड्रेन हो जाती है। मतलब अजाइगस वेन का मेन काम होता है इंटरकोस्टल वेन को ट्रिब्यूटरीज देना। उसके अलावा राइट साइड में तो अपना पूरी अजाइगस वेन है, तो ये इंटरकोस्टल में आपकी वेन दे पा रही है। लेकिन लेफ्ट साइड में क्या होगा, तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, अजाइगस वेन की दो मेन ब्रांच रहती है, उसको अपन बोलते हैं नीचे वाली को बोलेंगे हेमी अजाइगस वेन। अब देखो हेमी का मतलब क्या होता है, आधा, अजाइगस मतलब अनपेयर, तो अनपेयर वेन का सेम टू सेम आधा हिस्सा अपन बोलेंगे हेमी अजाइगस वेन, और ऊपर वाली को बोलेंगे अपन एक्सेसरी हेमी अजाइगस वेन। और ये तीनों वेन, अजाइगस वेन, हेमी अजाइगस वेन और एक्सेसरी हेमी अजाइगस वेन, ये क्या करती हैं, ये आपका इंटरकोस्टल वेन देती हैं। तो मैं इसको क्या अब आपको अच्छे से ड्रॉ करके बता देता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हो मैंने क्या करा है, मैंने सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा दोनों को ही मैंने पहले से बना दिया। और सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा को जोड़ने का कौन काम करेगा, वो अपना करेगी अजाइगस वेन। तो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ अजाइगस वेन। तो अजाइगस वेन जो है आपकी यहाँ से सुपीरियर वेना कावा से बनाएंगे अपन, ये नीचे तक डिसेंड होगी ये इस तरीके से, तो ये बन गया अपनी अजाइगस वेन। और ये इन्फीरियर वेना कावा से कैसे फॉर्म होती है, तो यहाँ पर जो वेन है ना जो मैं बना रहा हूँ, इसको अपन बोलते हैं लंबर अजाइगस वेन। ये कुछ इस तरीके से होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, ये है अपनी लंबर अजाइगस वेन। तो इस तरीके से जो है अपन ने पूरा ये जो वेन बनाई, ये है आपकी अजाइगस वेन, ठीक है। देन ये जो अजाइगस वेन जो है ये क्या करता है, ये अपनी दो मेन ब्रांच देता है, ये याद कर लेना, अजाइगस वेन दो मेन ब्रांच देता है, एक होती है हेमी अजाइगस, दूसरी है एक्सेसरी अजाइगस वेन। तो मैं इसको बना देता हूँ हेमी अजाइगस को, तो कुछ इस तरीके से ये जो वेन है ये है अपनी हेमी अजाइगस वेन। ये भी कैसे कनेक्ट है, ये भी आपकी लंबर अजाइगस वेन के ही कारण ये भी कनेक्ट होती है इन्फीरियर वेना कावा से। तो इस तरीके से सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा को कौन कनेक्ट करता है, अपना अजाइगस वेन, और इसी की ब्रांच एक हेमी अजाइगस वेन लेफ्ट साइड में। देन लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ एक और वेन आएगी, वह एक्सेसरी हेमी अजाइगस वेन। मैं इसको क्या नेमिंग कर देता हूँ
और ये खुद है अपनी अजाइगस वेन। तो अपन ने क्या देखा था, तो अजाइगस वेन जो है वो क्या करती है, वो आपका मेन देती है इंटरकोस्टल वेन, है ना, मतलब सारे इंटरकोस्टल वेन इसमें जाके ड्रेन कर जाती हैं। तो कुल मिला के कितनी इंटरकोस्टल वेन होती हैं, टोटल जो है अपनी 11 इंटरकोस्टल वेन होती है, याद कर लेना कितनी होती हैं, टोटल 11 जो है इंटरकोस्टल वेन है। और लास्ट वाली जो वेन है ना उसको अपन कहते हैं सबकोस्टल वेन, एक्चुअली में अपनी 11 इंटरकोस्टल स्पेस होती हैं, ठीक है। और जो लास्ट वाली जो अपने रिब है, जो 12th रिब है, उसके नीचे भी एक वेन होगी, उसको अपन बोलते हैं सबकोस्टल वेन। तो कुल मिला के सारी वेन जो है अपन को यहाँ से निकालनी है। तो आप एक चीज़ याद कर लेना, जो इंटरकोस्टल वेन जो होती है ना वो राइट साइड में जो पहली इंटरकोस्टल वेन है फर्स्ट, वो आपकी निकलती है ब्रिकोसेफेलिक से। मैं आपको बना के बता देता हूँ, मतलब कुछ इस तरीके से ये अपन ने बनाई है फर्स्ट इंटरकोस्टल वेन, मतलब फर्स्ट इंटरकोस्टल वेन राइट साइड में कहाँ से निकलती है, अपनी निकलती है राइट ब्रिकोसेफेलिक वेन से, बाकी सारी अपनी निकलेंगी अजाइगस से। तो सबसे पहले इंटरकोस्टल में भी अजाइगस वेन क्या देगी, सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। तो अपन यहाँ पे बनाते हैं हम सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, ये 2, 3 और ये 4, ये क्या है, ये है अपनी सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, ओके। देन फिर आएगी अपनी 5, ये 5 और ये 6, फिर ये 7, 8, 9, 10, 11, मैं यहाँ पे नेमिंग भी कर देता हूँ 7, 8, 9, 10 और ये 11, ये सारी की सारी क्या है, ये अपनी है इंटरकोस्टल वेन। और लास्ट वाली को अपन बोलते हैं सब कोस्टल, ये राइट में है तो अपन बोलेंगे राइट डॉट कर देना देन सब कोस्टल वेन, तो ये होंगे राइट सब कोस्टल वेन। और ये बाकी की सारी क्या है, ये बाकी की अपनी है इंटरकोस्टल वेन, ओके। तो मैंने आपको सारी इंटरकोस्टल बना दी राइट साइड में। उसके बाद अब अपन बनाएंगे एक्सेसरी हेमियाजाइगस वेन। तो मैंने राइट में बताया कि फर्स्ट वाली कहाँ से निकलती है, फर्स्ट वाली अपन ने निकलती है राइट ब्रेक्योसेफेलिक वेन से। लेकिन सिमिलरली लेफ्ट साइड में क्या होता है, शुरू की 4, मतलब कि फर्स्ट 4 जो इंटरकोस्टल वेन है वो आपकी निकलती हैं लेफ्ट ब्रेक्योसेफेलिक वेन से। तो कुछ इस तरीके से ये निकलेगी फर्स्ट इंटरकोस्टल। मैं इसको क्या याद करने का तरीका भी आपको बता दूंगा, अभी आप ड्रॉ करना देख लो, 2, 3, 4। तो अपन ने क्या देखा कि शुरू की जो 4 इंटरकोस्टल वेन हैं वो अपनी निकली हैं लेफ्ट ब्रेक्योसेफेलिक वेन से, बाकी की सारी निकलेंगी अपनी हेमियाजाइगस और एक्सेरियाजाइगस से। तो एक्सेरियाजाइगस से कितनी निकलेंगी बाकी की 4, तो अपन ने बना दी 1, 2, 3, 4। तो इसका क्या है, ये होगी 5, 6, 7, 8, देन यहाँ पर निकलेगी 9, 10 और 11, ओके। देन ये है 9, 10 और एक 11 और एक एंड वाली क्या है, सब कोस्टल लेफ्ट में है तो क्या नाम दोगे तुम, लेफ्ट सब कोस्टल वेन। तो ये मैंने आपको इस तरीके से अजाइगस वेन पूरा बनाना बता दिया। अब मैं आपको उसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ। तो अगर तुम देख पा रहे हो तो सबसे पहले क्या करना, सुपीरियर वेनिकावा इन्फीरियर वेनिकावा बना लेना। देन क्या करना, तुम्हें अजाइगस वेन पूरी बना देना, फिर उसकी 2 मेन ब्रांच बना देना, एक एक्सेसरी फिर हेमी। फिर इंटरकोस्टल वेन बनाने के लिए तुम क्या, एक चिंगल याद कर लो, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ चिंगल, वो क्या है 4+4+4, मतलब 3 बार 4, है ना। और जो पहला वाला 4 है ना वो एक्चुअली में आपका रहता है 1+3 क्या होता है 4, तो 4 फर्स्ट प्लस 4 प्लस 4। अब ये क्या है, मतलब अगर तुम देखो तो यहाँ पे 1 जो है, 1 क्या डिनोट कर रहा है कि पहला वाला जो है अलग से आया है, तो 1 फिर 3, ये फिर तीनों एक से निकल रही है ना अजाइगस वेन से, तो ये 1+3 टोटल ये कितनी होंगी, ये आपकी होंगी 4। देन फिर आप फिर बची हुई 1, 2, 3, 4 फिर बची हुई 4 आप निकाल देना यहाँ से, देन लास्ट वाली 4+ सबकोस्टल, तो ये तो आपको कितनी निकालनी है 4, 4, 4, मतलब 4 बार आपको 4 करके यहाँ पे इंटरकोस्टल निकालनी है। और पहली वाली कैसे निकालोंगे, 1+3 में, पहले 1 फिर 3। सिमिलरली यहाँ पे भी अपन ने कितनी निकाली 4, तो ये है 4, यहाँ पे कितनी 4, और ये क्या है, ये भी टोटल तो है 4, लेकिन कैसी है 1+3 = 4, क्योंकि 1 ये और बाकी की 3, तो 1+3 = 4, 4, 4, 4 के फॉर्म में आराम से बन जाएगा। अब क्या होता है यार, अपन ने अभी पढ़ लिया
लेकिन अगर मैं तुम्हें क्या जिंगल नहीं देता ना 4x4 वाली, तो डेफिनेटली यार 2 दिन बाद तुम कन्फ्यूज होने लगता है कि इस साइड में आपकी शुरू की एक इंटरकोस्टल सबके कि राइट साइड में ब्रेकियोसेफेलिक से कितनी निकल रही है इंटरकोस्टल और लेफ्ट में कितनी निकल रही हैं। जब मैं खुद फर्स्ट ईयर में था ना, मेरे साथ खुद यही होता था। तो फिर मैंने क्या जिंगल ही बना ली, 4x4 4x4 4 और ऊपर वाला 3+4। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। देन अगर ये कभी, देन अब मैं बताता हूँ, अगर कभी यूनिवर्सिटी में आएगा तो कैसे लिखना है। तो यार अगर ये कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर एजागस वैन आ गया और अगर शॉर्ट नोट में आ गया, मैंने तो तुम्हें बताया था कि वेरी शॉर्ट में आता है, लेकिन मान लो कभी अगर ये अगर शॉर्ट नोट में अगर ये आ गया वेरी शॉर्ट की जगह, तो तुम क्या करना, जैसा तुम्हें मैंने जो मेरे नोट्स प्रोवाइड करवाए ना, वैसे ही तुम इसको पूरा लिख के आओगे। लेकिन तुम्हें क्या इसमें फर्दर थोड़े थोड़े और पॉइंट जो है एक्सटेंड करने पड़ेंगे। तुम BDC एक बार पढ़ लेना, देन तुम इन्हीं पॉइंट में फर्दर थोड़ा और एक्सटेंड कर देना, क्योंकि मेरे ये जो कंटेंट है ना, ये बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट है। मैं बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट वाइज देता हूँ कि जो मेन मेन पॉइंट होते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना यार, वो मेनली क्या सिर्फ क्वालिटी कंटेंट ही देखना चाहता है। क्योंकि क्या है, नॉलेज सबके पास है, सबको पता है एजागस वैन क्या है, वो सिर्फ आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो अपना आंसर, वही वो देखेगा। तो यार ये वेरी शॉर्ट के लिए थोड़ा सा कंटेंट छोटा, तो ये शॉर्ट के लिए तो थोड़ा सा कंटेंट कम पड़ेगा, तो तुम इसको फर्दर और बढ़ा लेना। लेकिन मैं तुम्हें मेन मेन हेडिंग बताता हूँ कैसे लिखूंगे। तुम एजागस वैन की हेडिंग डालना, देन उसके चारों इंट्रोडक्टरी पॉइंट लिखना, मेन अपन को पॉइंट्स में लिखना है, देन फॉर्मेशन डालना, देन कैसे फॉर्म हो रहा है बाय यूनियन ऑफ लंबर जाइगस, मैंने बताया था ना लंबर जाइगस के जुड़ने से बन रहा है, अपने सब कोस्टल वेन को राइट एंड लेफ्ट सब कोस्टल वेन के जुड़ने से बन रहा है और राइट असेंडिंग लंबर वेन से बन रहा है। तो ये अपन ने इस तरीके से बन गया, मतलब ये जो है ना ये वाली, इसको बोलते हैं अपन असेंडिंग लंबर वेन। तो ये राइट तो तीन वेन से फॉर्म हो रहा है। देन इसकी ट्रिब्यूटरीज लिख देना सारी, कि सबसे पहले ये क्या देगा इंटरकोस्टल वेन, ठीक है, देन हेमिया जाएगा, फिर हेमिया जाएगा इसकी ट्रिब्यूटरी, फिर एक्सेसरी हेमिया जाएगा, फिर उसकी ट्रिब्यूटरी, और शॉर्ट में इसको थोड़ा फर्दर एक्सटेंड तुम करके आओगे अपने हिसाब से। जो है आप इस जो मैंने हेडिंग बताएंगे ना, उन मेन हेडिंग में आप फर्दर और एक्सटेंड कर देना, लेकिन लिखना तुम्हें क्या इन्हीं हेडिंग्स में। उसके बाद अपन देखेंगे वेरी शॉर्ट में, तो वेरी शॉर्ट में आता है यार 2 नंबर के लिए डायरेक्ट आपको इसकी जो है ट्रिब्यूटरी लिखना है। तो तुम क्या करना है यार, उसमें मैं तुम बताता हूँ उसको सही तरीके से कैसे लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट हमें जाकर डाली और ट्रिब्यूटरी में सारे इसके नाम लिख देंगे, राइट लेफ्ट दोनों एक साथ। तो क्या 2 नंबर में तुम्हें ना मैडम सिर्फ 1 नंबर ही देंगी, वो 1 नंबर काट लेंगी। ये मेरे क्या सेशनल में आया था वेरी शॉर्ट में, तो मैंने ये गलती करी, मैंने एक साथ लेफ्ट और राइट दोनों की ट्रिब्यूटरी एक साथ लिख दी। फिर मैं मैम के पास गया, तो मैम ने मुझसे बोला कि जो राइट की जो है ना, सॉरी राइट की राइट में लिखना पड़ती है, लेफ्ट की लेफ्ट में लिखना पड़ती है। तो तुम क्या करना, अगर ये वेरी शॉर्ट में है, वैसे तो यार ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट में ही पूछते हैं और आता वेरी शॉर्ट में ही है। अगर ये वेरी शॉर्ट में आता है ना, तो तुम डालोगे अजायगस वेन मेन हेडिंग, देन फिर डालोगे राइट ट्रिब्यूटरी, और राइट ट्रिब्यूटरी में क्या लिखोगे, सबसे पहले कौन सी है आप लिखोगे राइट सुपरफिशियल इंटरकोस्टल वेन, उसके बाद आप लिखोगे राइट असेंडिंग लंबर वेन जो कि ये है, फिर आप लिखोगे राइट सबकोस्टल वेन, उसके बाद राइट लंबर अजाइगस वेन। आपको ऐसी हेडिंग डाल के राइट राइट लिख देना, फिर आप डालना लेफ्ट की हेडिंग लेफ्ट, फिर आप लेफ्ट में लिखना एक्सेसरी हेमी अजाइगस वेन और हेमी अजाइगस वेन और लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, लेफ्ट सबकोस्टल वेन और लेफ्ट डिसेंडिंग लंबर वेन। तो अगर तुम राइट एंड लेफ्ट दोनों को अलग अलग लिखोगे ना, तो तुम्हें पूरे 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। तो क्या यार, मैंने अगर तुम्हें ये नहीं बताता ना, तुम्हारे क्या 1 नंबर चले जाते हैं। और क्या अपन यूनिवर्सिटी में तो क्या बिल्कुल 2-2 नंबर के क्वेश्चन में तो क्या अपन को मार्क्स बिल्कुल गंवाना ही नहीं है। तो अगर तुम्हारी मेरी वीडियो से हेल्प हुई हो, तो मेरी इस वीडियो को करो लाइक, तो मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो हैं मैं थॉरेक्स की वीडियो लाने वाला हूं। अब तक तो मैं यार थॉरेक्स के सारे अपलोड कर चुका हूं। अब अपन अगले टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं पेल्विस। तो अपन अब करेंगे पेल्विस स्टार्ट, उसके बाद अपन करेंगे एब्डोमिन। तो सारी वीडियो में लाने वाला हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।